और जू में वो मुझे प्यार से। कोई स्टार्ट कर रहा है या मैं खुद स्टार्ट कर दूं? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके। और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला साइड से। चलोगे हमारे साथ? वाह वैशाली, सॉरी रूपाली, आपको तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। यस गाइस, तो अभी यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, ठीक है, और प्रांजल और अर्जुन काम कर रहे हैं। ओ सॉरी कुमार, आई टुक योर सीट। तो अभी हम धर्मशाला जा रहे हैं साइट सीइंग करने, और हम तुम लोग को वापस आके बताएंगे कैसा लगा, ठीक है। सो गाइस, आज है गर्ल्स आउटिंग, ठीक है, तो मैं और रूपाली हम लोग जा रहे हैं साइट सीइंग करने धर्मशाला, और यहाँ मैकलो में फिर भागसो वाटरफॉल जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, रूपाली इज़ फ्रॉम नोएडा, तो यहीं आके हम लोग मिले हैं, ठीक है। शी इज़ द गर्ल दैट शी वाज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन लास्ट व्लॉग। तभी हम आपको दिखाएंगे, हमने को तीन चार जगह चूज़ की है, तो वो हम आपको जाएंगे तो हम आपको घुमाएंगे, ठीक है। सो आप वीडियो में बने रहें। वी आर एट टी गार्डन। तो टी गार्डन ये मैंने आपको बीर में भी दिखाया था, है ना, लेकिन वो छोटा था, बट ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो ऐसे सामने से वहाँ से सारा और ये सारा। लेकिन मुझे ना ऐसे कुछ चाय की खुशबू नहीं आ रही, और मैंने बीर से ऑलरेडी चाय खरीद भी ली थी वहाँ। तो पहला हमारा जो लोकेशन है वो ये टी गार्डन है। कुछ खुशबू आ रही है रूपाली चाय की? कुछ नहीं आती, बताया, मैं उस अंदर गई थी, मैं सूंघ सूंघ के देख रही थी, मुझे कुछ भी खुशबू नहीं आई। एट आर सेकेंड डेस्टिनेशन, ठीक है, जो कि है यहाँ का स्टेडियम। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, वहाँ से टिकट लेनी है, वहाँ से हम टिकट लेंगे एंड देन वील एंटर। और बाहर इसका एरिया है, खाने पीने की जूस वगैरह की शॉप्स लगी हुई है, ठीक है, आप आराम से खा पी सकते हो। और अभी बस हम टिकट लेके एंटर करते हैं स्टेडियम। ये शायद सामने जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो एरिया है, और ये पूरा अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ से। जस्ट हम एंटर हुए तो हमें ये अंकल मिले हैं, ही इज लाइक अ फादर। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? जैसा ऐसा ये मुझे बेटियाँ मिली हैं एट धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, एंड आई एम फादर, दे आर माई डॉटर्स। माई सेल्फ सुरजीत सिंह, रिटायर्ड हेड कैशियर फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया मार्टन लुधियाना। एज ए हॉबी आई एम ए पोइट, सिंगर, एंटरटेनर एंड एक्टर। मैं चुटकुला भी सुनाता हूँ, मैं गुरबाणी भी गाता हूँ, मैं खुश रखता हूँ। माई चैनल ऑन यूट्यूब इज़ मिठा अंधेरा बाई सुरजीत सिंह। एम बेटियों से कुछ बातचीत करते हुए इनको एंटरटेन करने वाला हूँ। तो व्हाट्स योर नेम बेटा? रूपाली। जब खाना खाते हैं, खाना तो अच्छा होता ही है, अच्छी होनी चाहिए थाली। थाली को क्या करूँ, मेरे सामने बैठी रूपाली। जब खाना खाते हैं, खाना अच्छा होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साथ में थाली। थाली खाने से क्या लेना? तो सामने बैठी हो रूपाली। ओ वेरी नाइस। सभी देखा, जैसे कि आपने हमें एक अंकल मिले, उन्होंने अपने बारे में बताया, मुझे तो टिप्स दी वैशाली को, रूपाली को कुछ टिप्स भी दिए। तो अभी जस्ट हम लोग एंटर हो ही गए हैं और पहुँचने वाले हैं स्टेडियम की तरफ। वी आर एट स्टेडियम, आप देख सकते हो। इधर ये सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अभी हमने यहाँ अपना फ़ोटो सेशन करा लिया, कुछ एक ही फ़ोटो खींचे, क्योंकि डलते तो वैसे भी कुछ एक ही हैं। ये मिस रूपाली कुछ स्टेडियम की फ़ोटोज़ ले रही हैं, बाकी भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, कम ही लोग हैं, कुछ ज़्यादा खास लोग नहीं हैं। इंस्टीट्यूट बोले, स्टेडियम के बाहर ही है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश। और हम स्टेडियम से बाहर आ गए, अपने टैक्सी में बैठने जा रहे हैं, सनी भैया हमारा वेट कर रहे हैं। गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो ये इंस्टीट्यूट है एंड इट्स अ काइंड ऑफ मॉनेस्ट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, वेलकम टू नॉर्बिलिंगका इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग इसमें अंदर जाएंगे, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये है इसका एंट्रेंस गेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इट्स लाइक अ मॉन्स्ट्री।
वंस यू एंटर आपको यहाँ से टिकट लेनी है। टिकट इज 50 rupees पर पर्सन। बिना मास्क के एंट्री नहीं है, आपके पास मास्क होना चाहिए, ठीक है। और अब हम इंस्टीट्यूट में एंटर कर रहे हैं। यार अगर मेरा ऐसा इंस्टीट्यूट होता ना, बाई गॉड मैं तो कभी घर नहीं जाती, बहुत मन लगा के पढ़ाई करती। और बहुत खूबसूरत है यार ये खाने का, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ, और इधर भी एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो एकदम ऑब्वियस यार, वैशाली कुछ, रूपाली कुछ खाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग कि यहाँ पे लोग शायद इस टाइप से ये बने हुए हैं ना, शायद लोग आके अपने घर बनाते हैं। और उधर एक गेट भी रखा हुआ है छोटा सा, हम वही चेक कर रहे थे। तो शायद यहाँ लोग आके अपने घर बनाते हैं और शायद कुछ मन्नत मांगते होंगे, काइंड ऑफ। सो रूपाली अपना घर तैयार कर रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं भी और अपने और अर्जुन के लिए एक छोटा सा घर बनाती हूँ। अपने अर्जुन का घर बनाया है 1, 2, 3। देखो यहाँ पर पत्थर कम है यार, है ना। तो आप अब गेस्ट हाउस है, तो मैं नहीं चाहती किसी और का घर बना के मैं तोड़ के अपना बनाऊँ। तो मेरे को वैसे 3 पत्थर ही मिल रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो मैंने बनाया है। और ये हमारा गेट है, ठीक है। अर्जुन अर्जुन इज़ नॉट हेयर, बट आई नो कि जब वो देखेगा तो वो बहुत खुश होगा। मतलब काइंड ऑफ प्रे है ना, कि जब हम ये करते हैं तो काइंड ऑफ मतलब हम प्रे कर रहे हैं। ये सामने मेन मोनेस्ट्री है जहाँ पे भगवान बुद्ध हैं। सो गाइज़ आपने देखा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये, बहुत सुंदर पेंटिंग है, बहुत अच्छा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी, पहले मैं सोच रही थी यहाँ नहीं आऊँ, बट रूपाली ने बोला कि बहुत ही सुंदर है। तो आप अगर मैक्लोडगंज या धर्मशाला आएँ तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही अच्छी वाइब है और बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी है इसके इधर म्यूज़ियम है, तो आप इधर आके म्यूज़ियम में आ सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। evil spirits, okay, जो कि आते हैं हमारे visions and dreams of the lamas के। इसीलिए इन्होंने ऐसे face लगाए हुए हैं ना, थोड़े मतलब अजीब अजीब से। So this is called chum dance. So भी रूपाली अभी थोड़ा सा आगे कुछ और देख रही है, मैं जस्ट बैठी और मैं देखने लगी कि नॉर्बुलिंग का है क्या। तो नॉर्बुलिंग का जो इंस्टीट्यूट है, इट्स अ मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश और पालमपुर रोड है उसमें पड़ता है, ठीक है। इज़ द हार्ट ऑफ तिब्बतन कल्चर। तो ये जो है मेन जो तिब्बतन कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए आर्ट को, और ये जो चीज़ें बनाते हैं पेंटिंग एंड डॉल, तो उसको आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो वो है वेबसाइट www.norbulinka.org, और आपको वो वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। जो भी आप तिब्बतन कल्चर की जो भी चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, आप उसको मंगा सकते हैं अपने पास ऑल ओवर इंडिया। जो दलाई लामा है वो उनकी जो गद्दी है, मतलब जो 14th दलाई लामा है, शायद 14th ही है, उनकी गद्दी यहीं है, वो यहीं बैठते हैं। तो मेन जो है यहाँ पर वो तिब्बतन कल्चर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, कि आप यहाँ के तिब्बतन कल्चर कैसा होता है, क्या होता है। पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एंड यू कैन इन्जॉय इट। नाउ आई एम रियली हंग्री, सो आई एम थिंकिंग कि आई शुड go to the restaurant, and I guess there are two options. One is there, जो कि आप देख सकते हो मेरे right side में है, ठीक है, and दूसरा जो है वो मेरे सामने है। तो I have to see कि मुझे चाय किधर मिलेगी। This is a kind of bakery जो मुझे लग रहा है, सामने वाले में शायद मुझे जाना चाहिए। So guys, this is Norling restaurant, यहाँ आप बैठ सकते हो। किया वेज सैंडविच, वेज ग्रिल्ड सैंडविच, चाय, एंड रूपाली सिर्फ चाय पी रही है बिकॉज इसे चक्कर आते हैं। तो अभी जैसे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलेंगे। हम भागसू वाटरफॉल आ चुके हैं, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे है ना रूपाली, उसके बाद वो कैफे जाना है ना, नेक्स्ट इटालियन। हाँ मतलब खाने का, वैसे घूमने का तो ख़त्म। तो अभी हमें यहाँ पर उतार दिया भैया ने, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट है, तो यहाँ से 5 मिनट की वॉक है जो हमें चल के जाना है। गाइस हम लोग आ चुके हैं भागसू वाटरफॉल, और ये जो है ना ये मंदिर है, और उधर बीच में वो स्विमिंग पूल टाइप है, और इधर से ये वाटरफॉल चल रहा है, उधर से दिखाते हैं।
सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल जो कि यहाँ से 10 मिनट्स है। मुझे लग रहा है वो सामने जो चल रहा है वो वाटरफॉल है और उसके ऊपर शिवा कैफे है, वो शायद उसके ऊपर है ऊपर जाके। रूपाली हमारी मौत होने वाली है बेटा, आ जाओ वाली है बिकॉज क्योंकि पहले वो स्टेयर्स है वहाँ से ऊपर चढ़ के वो है लिखा हुआ है कुछ इंग्लिश में। हाँ और वहाँ यार कल ट्रियुंड भी करना है, करके दिखाएंगे यहाँ पे स्टेयर्स हैं ठीक है, यहाँ भी वो स्टेयर्स हैं। अभी तो हम वाटरफॉल ही नहीं पहुँचे और हम सोच रहे हम शिवा कैफे भी जाएंगे। हे भोलेनाथ मेरे और रूपाली को एनर्जी दो। सो गाइज ये है वाटरफॉल, आप देख सकते हो सामने से, जिसमें आप नीचे भी पानी चल रहा है नीचे इधर है और उसके बाद उधर है। तो वाटरफॉल हमें जाके ऐसे कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाना है, तो वहाँ ऊपर शिवा कैफ़े है तो हम उसके लिए अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। तो यहाँ जो स्टेयर्स गई हैं वो ऊपर के लिए शिवा कैफ़े गई हैं, दैट इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े एंड दैट इज़ वेरी ओल्ड। तो हम नीचे नहीं जा रहे क्योंकि वाटरफॉल हमने यहाँ से देख लिया है, सामने वाटरफॉल एंड ऑल। तो अभी हम ऊपर चलते हुए चले ठीक है। सो गाइज फाइनली वी डिड इट, मौत हो गई लेकिन हमने कर दिखाया। सो गाइज यहाँ पे एक शॉप का बना हुआ है, सामने शिव जी का मंदिर है एंड यहाँ पे सारी देवी देवताओं की फोटो लगी है एंड दिस इज इट फ्रॉम इनसाइड। यहाँ बता दूँ मैं जो शिवा कैफ़े है उसमें प्राइस बहुत चीप है ना, बहुत चीप है और चीज़ें बहुत सारी है, लंच डिनर सब सारी चीज़ों का ऑप्शन है। तो हमने ऑर्डर की मैगी क्योंकि पहाड़ों की मैगी बहुत अच्छी होती है और उसके साथ हमारी आ रही है चाय और रूपाली से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, रूपाली जस्ट स्टार्टेड ईटिंग द मैगी। और यहाँ पर अभी भी काफ़ी क्राउड है, आप देख सकते हो स्लो स्लो म्यूज़िक चल रहा है। गाइज मुझे सबसे अच्छी चीज़ें जहाँ की लगी वो ये कि चाय ऐसे भर के आई है तो मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि हॉस्टलर में तो चाय इतनी मिलती है तो मैं डेली दो मंगाती हूँ, मतलब दो सुबह दो शाम को, यहाँ पे एक बार ही में मेरा कोटा हो जाएगा। शी इज़ फ्रॉम नोएडा। सो गाइज आई जस्ट मेट विद आई फॉरगॉट योर नेम एक्चुअली सहाना एंड शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर और ये लोग भी हॉस्टल में रुके हुए हैं मिनी में ना। ओके ओके तो अभी आपका पूरा मतलब ट्रैक है, इसके बाद कहाँ जाना है आपने? हम भी जा रहे हैं कल ट्रियुंड, चाय तो मिलेंगे। जॉइंग अलॉट एट शिवा कैफे एंड दिस इज अ मस्ट गो ग्लो, क्या बोल रही हूँ यार, दिस इज अ मस्ट गो प्लेस इन मैक्लोडगंज। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, मुझे बोला था तो फाइनली मुझे आज रूपाली का साथ मिला और हम यहाँ आ गए ठीक है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, बहुत ही चीप है और बेस्ट है सारी चीज़ें। तो अगर आप मैक्लोडगंज जाएँ तो भागसू वाटरफॉल आओगे ना, तो वाटरफॉल तो सारे एक जैसे होते हैं, वो तो हमने देख लिया था ठीक है। उससे ऊपर ही इसका रास्ता गया है, छोटा सा ट्रैक है, बहुत छोटा सा, मतलब यार 1 किलोमीटर का ही होगा रूपाली, इससे ज़्यादा का नहीं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और स्टेयर्स हैं। आप यहाँ आओ एंड चिल करो, मज़े करो और सब कुछ खाओ पियो, बहुत ही अच्छा वाइब है। सो यहाँ आना मत भूलना। और अभी बस हम लोग, मैंने चाय पी ली, मैगी हम लोगों ने, मैंने जस्ट अपने लिए टमाटो सूप मंगाया है, फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे। हमारे कैब वाले भैया जा चुके हैं, उनको लेट हो गया था तो फिर वहाँ से अभी हम जाएंगे मैक्लोडगंज, वो 1.5 किलोमीटर है और फिर वहाँ से हॉस्टल। सो विल मीट यू इन अ हॉस्टल। नीचे जा रहे हैं तो देखो ऐसा रास्ता है, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, उतर वालों ऐसे 1-2 घंटा, लेकिन चढ़ने में जो मौत होती है ना वो तो बस मैं क्या ही बताऊँ। अभी हम उतर जाएंगे, 5:30 हो रहा है तो मैंने बोला वैशाली को देखते हम कितनी देर में नीचे पहुँचते हैं। और गाइज एक और चीज़, मैं अपना वॉलेट, इतनी होशियार हूँ आज, हमेशा अपने साथ पैसे रखती हूँ, मैंने कार में ही छोड़ दिया और मिस रूपाली के पास कैश ख़त्म हो गया है, हमारे पास सिर्फ 10 रुपीज़ हैं और हमें हॉस्टल वापस जाना है। हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता हम कैसे जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ से नीचे जाना है, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर मैक्लोडगंज जाएगा हाँ, और फिर वहाँ से फिर हॉस्टलर। तो खैर दीज ऑल आर न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। अभी मैं और वैशाली चिल कर रहे हैं, रास्ते में गाने गाते हुए जा रहे हैं, अंधेरा ऑलमोस्ट
मतलब ये एक तो एक बात बताओ, ये आधे व्लॉग में आपने मुझे वैशाली बुलाया। आई एम सो सॉरी यार, हर नेम इज रूपाली यार, लेकिन रूपाली वैशाली इतना कॉमन सा लगता है ना, हर नेम इज रूपाली गाइज। ठीक है, तो हम जा रहे हैं गाने गाते हुए, तो हम एक गाना आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। रूपाली यार गाओ यार आज, मुझे सोचने दो, मुझे कौन सा गाना अच्छा लगता है। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वो वही चला जाए रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया महक लगाए रे, के देखे न वाले न जाने न दायरे, दिशाहारा कैमन बोका। यार ये कौन सी लैंग्वेज है? बंगाली। कैमन बोका गाइस, अब आपको मेरे चैनल से हिंदी सॉन्ग के अलावा देखो बंगाली भी सुनने को मिल रहा है। एक ही लाइन है गाइस, हम लोग आ चुके हैं ये मंदिर जो था, ठीक है 5:30 पे चले थे, इट्स 5:54, तो मतलब 20-22 मिनट्स में हमने सारा ख़त्म कर दिया। और हम यहाँ से ढूंढेंगे अपने लिए ऑटो, बिकॉज हमें जाना है मैक्लॉडगंज। ठीक है, तभी हम रास्ते में रुक गए और शॉपिंग करने लगे थोड़ी सी। तो यहाँ मार्केट में आओगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ मिलेंगी तिब्बतन स्टाइल में, मन करता है सब ले लो। ये फ्लैग मोस्टली, ड्रीम कैचर, तो मैंने कुछ कुछ ख़रीदा। मैं स्टूल दे रहा हूं। क्या नाम है इसका? नक्श। मीनाक्ष। नक्श। 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 मुझे एक और टी लवर मिल गया है, खुद से ना बॉटल से निकाल के चाय कर रहा है। उसमें चाय है ही नहीं, चाय कहाँ है उसमें? है। नहीं है, खाली है, देखो है ही नहीं इसमें। देखिए हमने नीचे उतर के भी कुछ ऑटो वगैरह नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो हम लोग पैदल चल के ही नीचे जा रहे हैं मैक्लॉडगंज तक, मतलब क्या हॉस्टलर तक। तो मैं रूपाली को पूछ रही हूँ आज कितना चल लिया। 5 किलोमीटर तो आराम से चल लिया होगा, है ना, आना जाना मिला के सब कुछ। हेलो गाइस, वी आर बैक टू द हॉस्टल। आके मैं अभी फ्रेशन अप वगैरह हुई एंड आई एम सो सॉरी, आई नीड माई टी। और कल हमें ट्रिउन जाना है, तो आज रात को जल्दी भी सोना होगा, ठीक है। और आज हमारा वार्म अप काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, वॉट एवर इट वॉज अ वेरी गुड यू नो डे। इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड रूपाली के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज अ वेरी गुड कंपनी। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।